हेलो इंजीनियर, दिस इज इंजीनियर मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। आज अपन आपके लिए लेकर आए हैं एक साइट विजिट, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई हमारे एक साथी से। नॉर्मली क्या होता है, विलेज जो वर्क होता है उसमें 90% एरिया में अपन क्या होता है यहाँ पे कि इंजीनियर वर्क नहीं होता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इंजीनियर वर्क नहीं होता है तो वहाँ की जो लेबर होती है, जो मिस्त्री होता है, वो किस तरह अपने काम को अंजाम देता है। तो आइए उसके लिए हम आपको मिलाते हैं संदीप भैया से। सबसे पहली बात तो ये आती है कि गांव में दो तरह के जाल बंधे जाते हैं, एक सिंगल जाल होता है और एक कैंटिलीवर जाल होता है, तो दोनों आप बांध देते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? खर्चा, सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं कि अगर सेम एरिया है, मान हमारा जैसा ये 2000 स्क्वायर फीट का एरिया जिसमें अपन काम कर रहे हैं, अभी आपने इसमें कैंटिलीवर जाल बांधना है तो इसमें कितना मटेरियल यूज हो रहा है हमारा? 2000 स्क्वायर फीट लैंडर बन रहा है हमारा, इसमें हमारा कम से कम 25 क्विंटल लगेगा। तो हमारा इसमें 25 क्विंटल सरिया यूज होगा। अगर हम इसमें ये तब है अगर हम इसमें कैंटिलीवर जाल बांध रहे हैं, यानी जो डबल जाल होता है। अगर हम इसमें सिंगल जाल बांधेंगे उसमें क्या होगा? सिंगल जाल बांधेंगे तो इसमें हमारा 21 क्विंटल काम होगा, यानी अगर आपकी बात करें तो लगभग 20% की बचत होती है हमारी। अच्छा, अगर ताकत की बात करें तो इंजीनियर का हिसाब तो अलग होता है, लेकिन अगर एक आम इंसान समझना चाहे तो ताकत के हिसाब से कौन सा बेहतर है और कितना बेहतर है? जैसे हमारी कॉस्ट 20% बढ़ रही है तो ताकत की कितनी परसेंट बढ़ जाती है? ताकत तो देखो, जैसे कि कैंटिलीवर हो गया, अब मान लिया एक उंगली है वो अपना काम करेगी और जब इसके साथ दूसरी उंगली मिलेगी तो उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जो डबल जाल हो जाता है और इसमें एक्स्ट्रा फिर क्रैंक लगती है और क्रैंक लगने के बाद उस पर जो है और एक्स्ट्रा सजा लगता है, उससे ताकत डबल हो जाती है। यानी अगर हम बात करें तो 20% अगर हम अपना सरिया बढ़ाते हैं तो हमें ताकत डबल मिल जाएगी। आपने यहाँ पे सरिया कितनी दूरी पर बांधना बेहतर है आपका हिसाब से? हमारे हिसाब से हमने यहाँ पे सरिया 6 इंची पे बांधा है। 6 इंची दूरी पे सरिया बांधा है डबल वाला। और लेपिंग कितनी की दी है? लेपिंग दी है 2 फुट। 2 फुट की लेपिंग दी है। हाँ जी। और लेपिंग कहाँ पे दी जाती है? लेपिंग अगर हमारा पूरा खुला होल है या तो कहीं बीम आएगा उस पर लेपिंग आएगी, या कोई दीवार होगी उस पर लेपिंग आएगी, वैसे बीच में ऐसे कहीं लेपिंग नहीं आएगी। हाँ, यानी बीच में देनी है तो दीवार पे हो या बीम पे हो, इन दो जगह लेपिंग देनी है। हाँ जी, मैन सरिया में और जो ऊपर का क्रॉस का सरिया आता है उसमें कहीं भी लेपिंग दे सकते हैं। हाँ, उसमें कहीं भी लेपिंग दे सकते हैं। तो अब हम बीम की बात करते हैं। हजमी बीम आप किस तरह प्रोवाइड करते हो? इंजीनियर अपने हिसाब से कर देता है, लेकिन अगर इंजीनियर का कोई पैमाइश ना हो और आपके पास कोई एरिया हो तो आप हजमी बीम कहाँ देते हो? अगर हमारा 10x10 का है, 11x11 कमरा है तो उसमें हमें कोई बीम की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ जी, ये 12x13 फुट से ऊपर जो कमरा होगा, 12x14 का, 15x15 का, उसमें भी हजमी बीम जरूर लगेगा। अच्छा अच्छा, और लटक बीम की जरूरत कब पड़ती है? लटक बीम की जरूरत तब पड़ती है जैसे कहीं 20 से ऊपर का होल लगाना है तो उसमें लटक बीम जरूर लगेगा। अच्छा, यानी अगर हमारा एरिया 18 फीट से ऊंचे गहरे में जा रहा है, जैसे हमारा ये अगर हम इस एरिया की बात करें जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा 25x18 किलो भी बैठ रही है, तो हमारा यहाँ पे एक लटक बीम जरूर लगेगा। अच्छा, इसमें जो दीवारें होती हैं आप वजन को किस तरह बांटते हो? पता चला आपने लेंटर डाला है और अब आप किस तरह अंदाज लगाओगे कि वजन कहाँ जाना चाहिए? सीधी सी बात है, सरिया का जो काम होता है वो वजन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है। आप मैन सरिया डाल लो तो किस इसका अंदाजा कैसे लगाओगे कि मैन सरिया किस डायरेक्शन में डालना है और जो आपका सपोर्टेड सरिया है वो किस डायरेक्शन में डालना है? वो हम दीवार का हिसाब देखते हैं जी, जैसे कि हमारा ये एरिया लंबा पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, यानी अगर लंबाई ज़्यादा हो? हाँ, लंबाई ज़्यादा हो गई और इसमें ऐसे दीवार ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, यानी चौड़ाई में दीवार ज़्यादा है। हाँ ओके, तो मैन सरिया हमारा ये होगा लंबाई में। और अगर ये सारा का सारा खुला है, दीवार इस साइड में है, तो हमें मैन सरिया इस साइड में करना पड़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि हमें मैन सरिया मैन दीवार पर टेकना होता है? हाँ, मैन दीवार पर टेकना होता है। और मैन दीवार लगभग 9 इंची की बनती है हमारी। हाँ जी, या तो मैन दीवार हो या फिर वो जगह हो जहाँ पे बीम आ रहे हो आपस में। अच्छा, जैसे जाल का आइडिया, आप ये मान के चलो आप कितना छज्जा बिना लटक हुआ बीम के रोक सकते हो? अगर आपको कोई ये कहे कि ये हमारा 6 फीट का छज्जा है, इंजीनियर हिसाब से तो लगा होता है, लेकिन अगर हमारा ये कहे कि मेरा 6 फुट का छज्जा है और मुझे उसे बिना लटक हुआ बीम के रोकना है, तो उसे कैसे रोक सकते हैं? है कोई तरीका उसका? हाँ, तरीका है जी उसका। इसके लिए आपको सरिया और मोटा लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हमको 6 फुट का छज्जा रोकना है जी, तो उसके लिए हमें 6 से 18 फुट जगह पीछे चाहिए। 6 से 18 फुट जगह पीछे चाहिए? हाँ जी।
जी। अगर 6 फुट हम उसमें अजमी बीम लगाएंगे जी, वो 6 फुट छज्जे में रहेगा तो 18 फुट उसको पीछे दाबेंगे। अच्छा, 18 फीट पीछे दाबना पड़ेगा, यानी हाँ। 3 गुना पीछे दाबना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। और अगर नॉर्मल छज्जा वो निकलते हैं 3 फीट का, उसमें तो डबल में काम हो जाता है, यानी अगर 3 फीट निकला तो 6 फुट पीछे। अच्छा, अगर हमें 6 फीट का ही छज्जा रोकना है, हमने इसमें लटका हुआ बीम दे दिया, मतलब दो डिफरेंस है ये, अब हमने इसमें लटका हुआ बीम दे दिया, अब कितना होगा एरिया कवर इस तरह उसे पीछे दाबने के लिए? हाँ, पीछे उसे पीछे अब भी कम से कम अगर वो 6 फुट आ गया था, 6 फुट उसको पीछे जगह चाहिए, यानी अगर बल्कि 9 फुट जगह पूरी चाहिए, डेढ़ गुना। अब हम खर्चे की बात करते हैं कि आप इसका कॉस्ट क्या आती है। हमारे यहाँ हमारे जो व्यूवर्स है वो नॉर्मल है, तो अगर वे अपना मकान बनाना चाहे, अब आपके लिए हमारे पास 3 सवाल हैं कॉस्ट के हिसाब से, अगर वे अपना मकान बनाना चाह रहे हैं और उन्हें ये अंदाज़ा करना है कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेट उनका कितना खर्चा आ जाएगा, तो कितने एरिया में कितना सरिया यूज होता है इसमें? ये मान के चलो कि हमारा 100 गज के प्लॉट में पूरा 20 क्विंटल सरिया लगेगा। 100 गज के प्लॉट में 20 क्विंटल सरिया लगेगा। और अगर हम उसमें खाली सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में कितना सरिया लगेगा? उसमें 13 क्विंटल सरिया लगेगा। 13 क्विंटल सरिया लगेगा, यानी वही आपका एवरेज आता है कि 100 स्क्वायर फीट में 1 क्विंटल 20 किलो सरिया आपका लगता है। क्या कोई तरीका है कि सरिये को कम किया जा सके? इसमें कम करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में उसमें दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब मान लिया जैसे कि हम ये लेंटर डाल रहे हैं, अब इसमें हम ये 6-6 पे सरिया बांध दें, हम जिसको हम 7-7 पे कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? इसमें सारे जाल में मिला के टोटल 1-1.5 क्विंटल सरिया हमारा बच जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी छत तो कमज़ोर हो जाएगी ना। ये आपने बताया कि 100 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 20 क्विंटल, तो ये मान के चलते हैं कि हम कि 1 स्क्वायर फीट को एरिया में 2 किलो सरिया इस्तेमाल होता है, 1 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 2 किलो सरिया। और अगर लेंटर की बात करें तो 1 स्क्वायर फीट में लगभग 1 किलो सरिया, इतना लग गया। तो संदीप भैया से आज हमने बात की, काफ़ी कुछ हमने सीखा। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो कीजिए, और हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू जी फॉर वॉचिंग।